शब्द 47, पाड़े बोझ पियो तुम पानी। जेह मटिया के घर में बैठे तामे सृष्ट समानी। 56 कोट यादव जहाँ भीजे मुनिजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभव माटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहि आवय पश मानस सब सरिया। हाड़ झरी झरी गूद गली गली दूध कहाँ से आया। सोले पाड़े जीवन बैठे मटिय छूत लगाया। वेद कितेब छाड़ दो पाड़े ई सब मन के भरमा। कहीं कबीर सुनो पाड़े ई सब तुम्हरो कर्मा। इस शब्द में सतगुरु कबीर ने उन लोगों को संबोधित किया है और कहा है जो शुद्धा शुद्धि का विचार किए बिना जन्म से कुछ लोगों को अछूत मानते हैं, अछूतत्व तो यदि कुछ है तो अशुद्धि है। अशुद्धि से बचे, गंदगी से बचे, ये तो ठीक, लेकिन किसी को साफ पाक पवित्र देखते हुए भी जन्म के आधार पर कि यह अमुक जाति में पैदा हुआ है इसलिए अछूत है, यह कहना घोर अपराध पाप है और मानवता के लिए कलंक है। तो उन लोगों को ही साहब यहाँ कहते हैं, पाड़े बूझ पियो तुम पानी। ए पाड़े, तुम किसी व्यक्ति को उसके आचरण को पवित्र देखते हुए उसे साफ पाक देखते हुए भी उससे जाति पूछकर पानी पीते हो कि भैया तुम किस जाति के हो, कौन सा दूध हो, और जब जाति और दूध जान लेते हो तब पानी पिए या न पिए इस बात का निर्णय करते हो। अनावश्यक लोग पूछते हैं रास्ता चलते चलते कि भैया कौन दूध हो, कि बाबा कौन दूध हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जातिवाद का कोढ़ आदमी के मन को इतना विकृत कर दिया है कि बिना मतलब लोग पूछते रहते हैं। आदमी कुत्ते के बच्चे को गोद में उठा लेता है, उठा नहीं लेता है, उसको चूमता चाटता भी, कुत्ता मुंह में अपने मालिक के मुंह में अपना मुंह ले जाता है, तब आदमी वो अछूत नहीं होता है, तब वहाँ गंदगी नहीं है। गाय के बच्चे को, बकरी के बच्चे को गोद में उठा लेता है, अरे और तो दूर, बकरी के बच्चे को पेट में हजम भी कर जाता है तो अछूत नहीं हुआ। और बकरी तो बकरी, सबसे पवित्र चीज खाने वाले सुअर को भी हजम कर जाता है। अब सुअर क्या खाता है, पवित्र ही कहना चाहिए, गंदी चीज किसे कहें, उसको भी हजम कर जाता है तो अछूत नहीं होता है।
वहाँ पर शुद्ध शुद्धि का विचार चला गया, लेकिन एक साफ आदमी, आदमी का बच्चा, साफ कपड़ा, स्नान कर लिया, हाथ पैर साफ हैं, आचरण साफ है, समझ लिया कि अमुक जाति में पैदा है, बस मान लिया कि अछूत है, मांस खा रहा हो ब्राह्मण नामधारी व्यक्ति, वो अछूत नहीं होगा, उसमें गंदगी नहीं है, छूत नहीं है, लेकिन उस मांस को एक छोटी जाति कहने वाले व्यक्ति छू ले तो मांस अपवित्र हो गया, खाने लायक नहीं रह गया। कितनी बुद्धि मारी गई है आदमी की, छुआछूत का रोग कितना घर कर गया है। अरे केवल मान्यता नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में तो कुट कुट करके ये बात लिखी गई है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ग्रंथ में, एक शास्त्र में ये बात लिख दी गई हो, न मालूम कितनी पुस्तकों में, कितनी स्मृतियों में ये बातें लिखी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, अपने को हिंदू समाज का उद्धारक मानते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ये छुआछूत तो जो हिंदुओं में है ये मुसलमानों की देन है। किन पता नहीं ऐसे लोग किस धरती के अन्न जल खा करके जीवित हैं, या तो वे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, या वे अपने कहलाने वाले ग्रंथों को ही पढ़ते नहीं हैं। मुसलमान कब आए भारत में? दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में आए, और चलो उस मूल में ले लें 1400 साल तो हजरत मोहम्मद को ही हुए कुल। तो क्या ये माना जाए कि हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ मुसलमानों के आने के बाद लिखे गए, जिसे मुसलमानों ने उन सब में लिख दिया, मुसलमानों ने उसे कह दिया? पराशर स्मृति बशीर धर्मसूत मनुस्मृति आपस्तम धर्मसूत गौतम धर्मसूत गौतम स्मृति या अन्य और सारे ये ग्रंथ कब बने? मुसलमानों के आने के बाद या मुसलमानों से पहले, जब मुसलमान पैदा ही नहीं हुए थे तब हुए? कहते हैं कि मनुस्मृति तो मनु की देन है, और मानते हैं हिंदू ही कि हम मनु की संतान हैं, तो फिर मुसलमान उस समय कहाँ थे? चलो मनु को छोड़ दें, लेकिन ऐतिहासिक ढंग से भी मनुस्मृति की रचना ईसा के आसपास हुई है, 100 साल पहले, 100 साल पीछे के आसपास, 100-150 साल बस। उसमें मुसलमान कहाँ थे? कोई मुसलमान का नाम ही नहीं था दुनिया में। ऐसे ही अन्य और ग्रंथ जो लोग ये कहते हैं कि छुआछूत मुसलमानों की देन है, वे अपने हिंदू धर्म के ही, हिंदू परंपरा के ही ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, या जानबूझकर झूठ बोलते हैं और लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। लेकिन ये झूठ चलेगा थोड़े, सब लोग जान गए हैं अब तो। तो साहब कहते हैं कि तुम जाति के आधार पर किसी की जाति पूछकर उससे उसके हाथ का पानी पीने या न पीने का निर्णय लेते हो, तुम्हारा ये निर्णय कितना गलत है, क्या कभी विचार करते हो? आचार विचार को प्रधानता मिलनी चाहिए, जाति को नहीं। एक शाकाहारी व्यक्ति, कट्टर शाकाहारी व्यक्ति, एक मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का बनाया भोजन कैसे खाएगा? कोई शाकाहारी ही है, मांस नहीं खाता,
लेकिन तंबाकू भी रगड़ता जा रहा है, तंबाकू मुंह में फांक कर रखा भी है और भोजन बना रहा है, तो देख करते जो दुर्व्यसनी नहीं है उसे तो उसके हाथ के भोजन खाने में संकोच होगा ही होगा, कैसे खाएगा। तो कर्म से आचरण से कोई मतलब नहीं, खाली जाति पूछ लिए और जाति धोखा। इसलिए साहब कहते हैं ए पांडे, पांडे से यहाँ तात्पर्य खाली पांडे नामधारी से नहीं है, पांडे लोग कहलाने वालों में भी कितने लोग हैं जो छुआछूत नहीं मानते, अन्य जो पांडे नहीं कहलाते उनमें भी छुआछूत मानने वाले कट्टर हैं। यहाँ जितने छुआछूत मानने वाले हैं, चूंकि ब्राह्मण वर्ग अपने को हिंदू धर्म का मुखिया मानते हैं, अगुआ मानते हैं, इसलिए साहब उन लोगों से पूछते भी हैं। अगुआ सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। फिर आगे साहब कहते हैं कि जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। ऐ पांडे, तुम आदमी को तो देख करके पूछ रहे हो कि तुम किस जाति के हो, लेकिन क्या भूल गए, तुम्हें पता नहीं है जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हुए हो, तामे सृष्टि समानी, उसमें पहले की पूरी सृष्टि के प्राणी मर मर करके सड़ सड़ करके समाये हुए हैं। जिस मिट्टी के घर में रहते हो उसमें पता नहीं कितनी लाश दफनाई गई है, जिस मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हुए हो उस चबूतरे के नीचे कितनी लाश दफनाई गई होगी, और जिस मिट्टी से चबूतरा बना है उस मिट्टी में कितनी की लाश हड्डी खून मांस मिले होंगे, और जिस मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हो उसमें भी पता नहीं कितने कितने के खून टट्टी पेशाब और हड्डी मांस मिले होंगे। कह सकते हो, कहा जा सकता है, वो तो सब मिल करके उनका रूपांतर हो गया मिट्टी में, पहले क्या क्या मिला हमें क्या मालूम, हम तो आज देख रहे हैं कि मिट्टी शुद्ध है साफ है, जिस घर में हम रहते हैं वह घर लिपा पोता है साफ है, इसलिए हम उस घर में रहते हैं, उसे बितरे बैठते हैं और उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या मिला इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, आज देखना है कि साफ है या नहीं है। तो आज तो देख रहे हो कि सामने आया हुआ व्यक्ति साफ कपड़ा पहना है, साफ आचरण वाला है, हाथ पैर साफ है, तो उसके हाथ का पानी पीने में फिर हर्जे क्या है। जब पहले की क्या क्या मिला इसको ना देख करके आज सफाई पर देख रहे हो, तो आज भी तो आदमी सामने आया है उसको तो देख सकते हो कि साफ है या नहीं है, तो फिर जाति पूछने की क्या जरूरत। आप और कहते हैं 56 कोटि यादव जहाँ भीजे मुनिजन सहत 88 पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरी भव माटी। जरा विचार करो, 56 करोड़ यादव और 88,000 मुनि, ये सब मर कर और सड़ कर इसी मिट्टी में मिल गए हैं, और पग पग पर पदे पदे पैगंबर गाड़े गए हैं, और उनकी लाश सड़ करके मिट्टी बन गई है। तो सब शरीर भाव माटो के सब सड़ करके मिट्टी बन गए, और ऐ पंडित जी उसी मिट्टी से बने बर्तन में तुम पानी पी रहे हो, और वो मिट्टी अशुद्ध नहीं हुई, इतनी गंदगी से भरी हुई मिट्टी। हाँ, छोटी जाति का कहलाने वाले व्यक्ति छू लें तो तुम्हारा घड़ा अशुद्ध हो गया, पानी पीने लायक नहीं रहा। जरा विचार करो, तुम्हारी ये मान्यता कितनी खोटी है। और जिस पानी को पी रहे हो उसकी भी दशा देखो,
मच्छ कच्छ घरियार भी आने रुधिर नीर जड़ भरिया नदिया नीर नरक बही आवे पशु मानुष सब सरिया। जिस पानी को पी रहे हो उस पानी में मछली कछुआ घड़ियाल मेढक टट्टी करते हैं पेशाब करते हैं उसी में मरते हैं उसी में सड़ते हैं उसी में बच्चे पैदा करते हैं उनके खून पेशाब सब उसमें मिले हुए हैं और ऐसे पानी को पी गए इतना ही क्या है। शहर की गंदगी शहर भर का नरक नदियों में जाकर के मिलता है। पशु मनुष्य की लाश फेंक दी जाती है गंगा जमुना अन्य नदियों के पानी में धारा में ये सब मिल गए और ऐसे पानी को पी गए वहां अशुद्धि नहीं हुई। जिस संगम के जल को बड़ा पवित्र मानते हैं कौन नहीं जानता उसे बस आधे किलोमीटर दूर पर ही शहर भर का पवित्र पानी वहां गिर रहा है गंगा को रोज पवित्र कर रहा है 24 घंटा अब उसको बड़े आराम से पी रहे हैं। हाँ आदमी पी छू ले तो अशुद्ध जिस आदमी को अछूत का मानता है पंडित और जिसके छूने से घड़ा पानी हो रहा उस आदमी की पेशाब गंगा में मिल रही है तब अशुद्ध नहीं हुआ। यहाँ साहब का अर्थ ये नहीं है कि पानी में गंदगी मिली है तो पानी की धारा बहती रहती है गंदगी दूर होती रहती है। साहब तो ये कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर साफ दिखते हुए भी किसी को अछूत मानते हो यह मानना गलत है। सहज समझा जा सकता है सब आदमी जानते हैं कि पानी में न मालूम कहाँ कहाँ की कैसी कैसी गंदगी मिली होती है बरसात में कहाँ कहाँ से गंदगी धुल धुल करके पानी में बहती रहती है नदी में नाला में ताल में सरोवर में वो पानी मिलता रहता है कौन नहीं जानता है। लेकिन धीरे धीरे गंदगी बैठ जाती है पानी के बहाव के साथ गंदगी दूर होती चली जाती है पानी शुद्ध हो जाता है। कोई कबीर साहब भी इस बात को जानते हैं लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं साहब इसलिए कहते हैं कि मिट्टी में पानी में मिले हुए इतनी अशुद्धि को सहन कर लिया गया तो एक पवित्र मानव को अशुद्ध मान करके उसके तिरस्कार कर दिया गया यह उचित कैसे है। मिट्टी और पानी का कोई आदमी जिंदगी भर त्याग नहीं कर सकता त्याग करके जाएगा कहाँ पर। लेकिन छुआछूत का तो त्याग किया जा सकता है अशुद्धि देखो बस अशुद्धि है ग्रहण न कर शुद्ध है शुद्ध आदमी है शुद्ध कपड़े हैं शुद्ध बर्तन में पानी लाया है पीने में हर्ज क्या है शुद्ध ढंग से साफ सफाई से भोजन बनाया है तो खाने में हर्ज क्या है। हाड़ झरी झरी गुद गली गली दूध कहाँ से आया सोले पाड़े जेवन बैठे मटिया शुद्ध लगाया। साहब कहते हैं ए पंडित जी थोड़ा और विचारो भगवान की पूजा करने बैठे हो भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगाना है तो पवित्री चाहिए घी वो कहाँ से बना दूध कहाँ से पैदा होता है ये जानते नहीं हो। हाड़ झरी झरी गुद गली गली गाय मतलब जो मादा पशु हैं जिनसे दूध लिया जाता है उनके हड्डियों के झरने से और मांस की गलियों से होकर के दूध आता है और ऐसे दूध को लेकर के तो जिमने बैठ गए खाने के लिए बैठ गए और किसी की मिट्टी की घड़े में छूत लगा दिए ये छोटी जाति के आदमी का के घर का घड़ा है छूत लगा दिए तो हड्डी और मांस की गलियों से दूध आया वो अशुद्ध नहीं हुआ और
आदमी का घड़ा अशुद्ध हो गया। तो यहाँ ये भी बात है कि दूध हड्डी और मांस का रूपांतरण नहीं है। साहब इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। वो तो निर्देश कर रहे हैं कि कैसी कैसी जगह से कहाँ कहाँ से चीज आती है, उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं होता है। तो आदमी को देख करके संकोच क्यों, आदमी से घृणा क्यों? वो भी केवल जाति के आधार पर, शुद्ध अशुद्धि के आधार पर तो नहीं हुआ। इसलिए साहब कहते हैं ये छुआछूत मानना तुम्हारा केवल धोखा है। सफाई देखो, जहां सफाई है वहां पर छुआछूत ना मानो, जहां सफाई नहीं है वहां पर कहो भाई कि देखो यहां पर सफाई नहीं है, हम साफ ढंग से बनाया नहीं गया है, हम ऐसे भोजन को नहीं करेंगे, ये देखो गंदा आदमी बना रहा है, भोजन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति भक्त हृदय नहीं, स्वयं भक्ति भावना में लगा हुआ, साफ कपड़े, साफ आचरण, कितनी सफाई से क्यों ना भोजन बनाए, लेकिन छोटी जाति का है तो कितने ब्राह्मण कहलाने वाले लोग उनके हाथ का बनाया भोजन नहीं करेंगे। और एक ब्राह्मण चोर हो, व्यभिचारी हो, मांसाहारी हो, महीना भर से नहाया भी ना हो, अब बना ले भोजन तब कोई नहीं कहेगा नहीं भाई ये देखो महीना भर से नहाया नहीं है, टट्टी गया तो बराबर हाथ भी नहीं धोया होगा, वो आके बना दे तो उसको खाने में हर्ज नहीं है। ये कहाँ के कन्याए हैं? कोई किसी ब्राह्मण को चाहे कितना भी गलत काम करने वाला ब्रह्म भोज में जो हो तो पंक्ति से उठा नहीं सकता है। और दूसरी जाति का आदमी हो तब तो कहना ही क्या। जैसे गुरुजी कहा करते हैं, पहले तो ब्राह्मणों में ही कितना था कि एक ब्राह्मण, एक गोत्र का ब्राह्मण दूसरे गोत्र के ब्राह्मण का बनाया कच्चा भोजन खा नहीं सकता था। उसमें भी कितनी कैटेगरी है ब्राह्मण में, अमुक तो अमुक तो अमुक तो अमुक, उसमें ले जाते तो कहाँ गिरा कर ले जाए, कोई ठिकाना थोड़े हैं। वो जो उदाहरण दिया जाता है सुना होगा आप लोगों ने, फिर दोहरा दे दो। एक ब्राह्मण कलाने वाले व्यक्ति थे, तो जब भी कुछ हो तो उनको ब्रह्म भोज में निमंत्रण मिला करे। अब ब्रह्मभोज में जाए तो बढ़िया बढ़िया भोजन तो मिलता ही है। तो कहते हैं कि उसके पड़ोस में एक मुसलमान था, वो ब्राह्मण का मित्र था, तो उनके कहा कि ये तो ब्रह्मभोज में जाते हैं और इनको बढ़िया बढ़िया खाने की मिलता है, कभी मैं भी इनके साथ चलूं। तो एक बार उन्होंने कहा भाई कि मुझे भी अपने साथ ब्रह्मभोज में ले चलो। तो उन्होंने कहा कैसे, ऐसे कैसे चलोगे, तुम्हें तो देखते ही दाढ़ी ओढ़ी तो हटा दो, तो घुटने भी नहीं देंगे। तब कि क्या करूँ कि दाढ़ी को मुड़वा लो पहले और चोटी रखो और पहनो जनेऊ और तिलक लगाओ और धोती पहन करके, एक धोती बांध ऐसे पहन करके ऐसे लपेट कर लो तब फिर कभी चलना। तो क्या अच्छा तो ठीक है। तो कहते हैं दाढ़ी मुड़वा दिया, चोटी रख लिया, जनेऊ पहन लिया, धोती पहन लिया, कहे अमुक दिन चलना है ब्रह्मभोज में और देखना मेरे साथ ही बैठना, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। और मान लो कोई अलग बिछुड़ गए तो पूछना तुम कौन जाति के हो, कह देना ब्राह्मण, कहीं कौन ब्राह्मण का देना गौड़ हो गया, चले गए दोनों साथ साथ गए। अब कुछ ऐसा समय हुआ, कुछ घटना घटी कि दोनों को हो गया, दोनों का वियोग हो गया, वो कहीं गए बैठ गए, पंगत बैठी। अब वो बैठे तो पास के लगे हुए दूसरे ब्राह्मण लगा कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं ब्राह्मण है या नहीं है। पूछा ऐ कौन हो, के ब्राह्मण, के कौन ब्राह्मण, गौड़, कौन सा गौड़, तो कहा या लग गौड़ में भी और
ये ढंग से तो ऐसा घर कर गया है ये जातिवाद तो कोई मतलब नहीं है शुद्धा शुद्धि से। अंत साहब कहते हैं कि वेद कितेव छाड़ दो पाड़े ये सब मन के भरमा, कहीं कबीर सुनो हो पाड़े ये सब तुमरो कर्मा। साहब ने कहा कि ऐ पंडित तुम सापक आदमी दिखते हुए भी जाति पूछ करके पानी पिए या न पिए इसका निर्णय करते हो, इतनी गंदगी सहन कर लेते हो। तो उन्होंने कहा कबीर साहब आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हैं, आप तो बिना मतलब के खंडन कर दिया करते हैं। अरे ये जो छुआछूत की बात है या छुआछूत का प्रचलन है ये हमारा चलाया हुआ थोड़े हैं, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर आदमी को छोटा और बड़ा मानना चाहिए। छुआछूत की बात शास्त्रों में लिखी है और शास्त्र भगवान की वाणी है, प्रभु वचन है, सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी आप तो जो ऋषि मुनि हैं उन ऋषि मुनियों का कहा हुआ है, लिखा हुआ है शास्त्र, हम कैसे ना माने। अरे कहीं लिखा होता तो ना मान लेते, ये तो बेशास्त्र की बात है। तो साहब कहते हैं वेद कितेव छाड़ दो पाड़े, ऐ पाड़े ये वेद किताब को उदाहरण देना छोड़ दो, ये धोखा है कि अमुक शास्त्र प्रभु वचन है, भगवत वचन है, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों का वचन है, ये केवल धोखा है। कोई भगवान कोई शास्त्र नहीं बनाता है, अब कोई शास्त्र किसी भगवान की वाणी नहीं है, सारे शास्त्र नाम कुछ भी लें उनका बनाने वाला आदमी है, और उनमें जो कुछ लिखा गया है ये सब आदमी का ही लिखा हुआ है। इसलिए अपनी छुआछूत की धारणा की पुष्टि के लिए वे शास्त्रों का प्रमाण देना छोड़ दो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है कि हमारे शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान के बनाए गए हैं। कोई शास्त्र भगवान की वाणी नहीं है, कहीं कबीर सुनो हो पाड़े ये सब तुम्हरो कर्मा। साहब कहते हैं पंडित जी सुनो, ये सब तुम्हारा पाखंड पूर्ण कर्म है, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने ये जन्मना छुआछूत का प्रपंच खड़ा कर रखा है, इसलिए इस छुआछूत के प्रपंच को छोड़ो, शुद्धा शुद्धि का विचार रखो और मानव मात्र को एक समान मानकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। हाँ जहाँ गंदगी है उस गंदगी को दूर करो, वस्तुतः गंदगी ही अशुतत्व है और सफाई पवित्रता है, गंदगी का त्याग करो और जहाँ सफाई दिखो उस ढंग से स्वयं सफाई का व्यवहार करो, और जो साफ हैं उनके हाथ का बनाया भोजन खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है।